न्यायधानी बिलासपुर में बिलासा कला मंच के 3 दिवसीय बिलासा महोत्सव के हुई समापन। लोक कला के संरक्षण और संवर्धन बर हर बछर करे जाए वाला ये आयोजन में कलाकार मन के सम्मान घलो करे गए। देखो रिपोर्ट। बिलासा कला मंच के तत्वाधान में 3 दिवसीय 29वां बिलासा कला महोत्सव में रंगारंग लोक कला के कार्यक्रम करे गए प्रदर्शन। प्रदेश भर के लोक कलाकार मन तीनों दिन अपन कला के प्रदर्शन करके लोगन मन के मन मोह डारे। बिलासा कला मंच छत्तीसगढ़ी लोक कला के संरक्षण संवर्धन और विकास पर हर बछर महोत्सव के आयोजन करत आते। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवादित रामायण और छत्तीसगढ़ी लोकगीत के आयाम पुस्तक के विमोचन खलो करे गए। कार्यक्रम के आखिरी दिन मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक शैलेश पांडे और तखतपुर विधायक रहिन उपस्थित। अपन वक्तव्य में बिलासपुर विधायक कहिस, आजकल युवा मन लोक कला और संस्कृति ले दूर हो जाते, ऐसे में बिलासा कला मंच युवा मन ला जोड़े के काम करत है। आयोजन पर समिति ला बधाई देते हुए लोक कलाकार मन के सम्मान करिस। आज के दौर में टीवी में मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है जिसके कारण हमारी जो संस्कृति के अंदर जो कलाएं हैं, जो एक धरोहर है, वो धीरे धीरे मिटती जा रही है और ये एक बड़ी समस्या है। ये एक बड़ी समस्या है, ये एक बहुत गंभीर बात भी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज युवाओं का जो ध्यान है, आज चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, आज सभी का ध्यान जो है वो छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम ला देखे बर लोगन मन के उत्साह देखत बनत रहिस। लोगन मन कार्यक्रम ला देखे बर संझा ले देर रात तक बैठ के कार्यक्रम के आनंद लीन। बिलासपुर ले डिजिटल रिपोर्टर युवराज केमन की रिपोर्ट।